अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं डोसा वाली चटनी। तो यहाँ पर मैंने ये नारियल ले लिया है फ्रेंड्स, नारियल और बादाम को मिक्स करके बनाऊंगी। फ्रेंड्स आप ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो, ये थोड़ा फैलती है तो कम ही बनाओ। डोसा के साथ बहुत ही यम लगती है, दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए एक भगोने में चढ़ा दिया था, और यहाँ पर मैं अपने बादाम को हल्का सा फ्राई कर लूँगी, जिसको पीनट्स कहते हैं फ्रेंड्स। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी और इसके जो ऊपर के छिलके हैं फ्रेंड्स उसको उतार लूँगी, तभी इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। यहाँ पर मेरी मूंगफली फ्राइड हो चुकी है और इसको मैं छिलके उतार लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था, और यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तड़के में मैंने एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च और लहसुन के 4-5 पीसेस, और ये देखिए ब्लैक सरसों जो होता है, काला सरसों, इसको मैं ली हूँ। और सारे तड़कों को मैं ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने दूंगी फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें हम लोग करी पत्ता ऐड करेंगे। ये देखिए तड़का बहुत ही अच्छा सा बनके तैयार होगा। ये देखिए यहाँ मेरा करी पत्ता है, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। और अपनी चटनी को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर मैंने नारियल और बादाम को, जो मैंने बादाम को बना था फ्रेंड्स, उसको और इसको हल्का सा पानी डाल करके इसमें नमक भी इसी टाइम पे ऐड कर लिया। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं कर देनी है। हिसाब से डोसा में जिस तरह की चटनी खाई जाती है उसकी थिकनेस देख करके आप उस हिसाब से मैनेज कर लो। ये जो मैंने तड़का तैयार किया था फ्रेंड्स, उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में हाफ तड़के को डाल दिया था और हाफ को इसी तरह रहने दिया था। ये देखिए अब इस तड़के को हल्का सा गर्म करके और उसी टाइम पे इसमें ऐड कर दूंगी। तो मैंने दो बार तड़का अलग अलग तैयार नहीं कराया फ्रेंड्स, एक ही बार तड़का तैयार कर लिया है। और हाफ मैंने तड़के को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने से पहले डाला था, वो मैं शूट करना भूल गई थी फ्रेंड्स, सॉरी। ये देखिए ये मेरा तड़का गर्म है, अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये चटनी बनके तैयार है। आप इसको डोसा के साथ या फिर इसी तरह रोटी के साथ भी खा सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही यम लगती है। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।